गुजरात में अवैध तरीके से शराब पार्टी करने के आरोप में पुलिस ने गुरुवार रात 261 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों में कई बड़े बिजनेसमैन, महिलाएं और हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इनमें इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के पूर्व कमिश्नर चिरायु अमीन भी थे। पुलिस ने इन लोगों को वडोदरा के सेवासी स्थित एक फार्म हाउस से पकड़ा। ये लोग एक शादी के कार्यक्रम में शरीक हुए थे जहां शराब परोसी जा रही थी। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में 134 महिलाएं, 125 पुरुष और 2 ब्रिटेन के नागरिक शामिल हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद इन्हें थाने ले जाया गया और शुक्रवार सुबह इन लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक जितेंद्र शाह और उनके बेटे के खिलाफ शराब जमाखोरी और उसके इस्तेमाल को लेकर गुजरात सरकार के नए अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया है। वडोदरा रूरल के SP सौरभ तोलांबिया ने बताया कि पुलिस ने रेड के दौरान 80 कारें भी जब्त की। इसके अलावा शराब की 103 बोतलें और बियर की 116 बोतलें मिली। ऊपरी अधिकारी से इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसने सूचना से यहाँ रेड की गई थी, तो यहाँ करीब 70 या 75 लेडीज और 125 के करीब पुरुष वो यहाँ लिकर की पार्टी हो रही थी, तो उसके ऊपर पुलिस ने छापा मारा है और उन सब लोगों को अभी अरेस्ट करके कार्यवाही चल रही है, पंचनामा भी चल रहा है, क्योंकि 200 आदमियों का जो लिस्ट बनाना है उन लोगों का सिर्फ चेहरा निशान बनना है। जो भी कार्यवाही है वो थोड़ी लेंदी चली गई, लेकिन अभी सबको लेके यहाँ SHG हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे उसका ब्लड सैंपल के लिए सबको अभी रवाना किया है। थोड़े बहुत बाकी है, उनको रवाना करके फिर यहाँ जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो रही है और 2-3 घंटे में पूरी हो जाएगी। एक सूचना के आधार पर महिला पुलिस बल समेत पुलिस की 5 टीमों ने फार्म हाउस पर छापा मारा था। गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है। राज्य सरकार के नए कानून के मुताबिक शराब पीने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जिस फार्म हाउस में शराब परोसी गई है उसके मालिकों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। चिरायु अमीन गुजरात के प्रमुख उद्योगपति है। वो फार्मास्यूटिकल ग्रुप अलेम्बिक लिमिटेड के चेयरमैन है। उनकी कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ रुपए का है। IPL के कमिश्नर के अलावा वो BCCI के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं।